हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने सोशलोजी का अगला लेक्चर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेटिफिकेसन के यूनिट को ख़त्म कर दिया था और आज के इस लेक्चर के ज़रिए हम वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट है इसको शुरू करेंगे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ का आप सिलेबस देख सकते हैं टोटल हमें तीन टॉपिक्स को कवर करना है पहला तो यह है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ जैसे कि स्लेव सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क कैसा था फ्यूडल में और इंडस्ट्रियल या कैपिटल सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क कैसा था इसके अलावा दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा इस यूनिट में वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क और लास्ट टॉपिक रहेगा लेबर एंड सोसाइटी आज के इस लेक्चर के जरिए हम कोशिश करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन स्लेव एंड सोसाइटी को क, आ, समझने की कोशिश करेंगे चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए चलिए समझते हैं पहले समझते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस है ठीक है और ह्यूरिस्टिक डिवाइस है तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन किससे कंसर्न रखता है तो ये कंसर्न रखता है विद चॉइसेस एंड डिसीजंस इन्वॉल्व इन एक्चुअल सोशल रिलेशंस तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अब समझते हैं वर्क का डेफिनेशन वर्क और लेजर है ना वर्क और लेजर होता क्या है वर्क का तो वर्क लेजर आप कह सकते हो आराम ठीक है तो आपको पता है वर्क और लेजर दोस्तों ये दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे हैं डिबेट के लिए है ना सोशलॉजिस्ट लोग जो हैं इन दोनों टर्म्स uh, के ऊपर काफ़ी डिबेट करते रहे हैं मैनी ऑफ द व्यू ऑफ सोशलॉजिस्ट ऑन वर्क एंड लेजर हैव इन्फ्लुएंस ऑफ देयर पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम ट्रेडिशनली देखा जाए कैथोलिक Catholic, कैथोलिसिज्म uh, में तो दोस्तों कैथोलिसिज्म आपको पता है क्रिश्चियनिटी का ही पार्ट है उसमें वर्क को पनिशमेंट के तौर पर देखा जाता था और बोलते थे कि वर्क क्यों मिला है क्योंकि इंसानों ने सिन कमिट करा था जिस वजह से ही लोगों को वर्क करना पड़ा और वर्क की वर्क करके लोग जो है अपनी दिनचर्या चलाते हैं ठीक है तो इसको कैथोलिसिज्म में एक तरीके से सिन या पाप के तौर पर देखा जाता था लेकिन आपको पता है फिर रिफॉर्मेशन मूवमेंट चले थे आपको मैंने पढ़वाया था यूरोप में और उसके जिसके बाद आपको पता है प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है इसका जन्म हुआ और इन लोगों ने बाद में प्रोटेस्टेंट रिलीजन ने वर्क को क्या कंसिडर करा इन्होंने वर्क को कंसिडर करा कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप गॉड की ग्लोरी कर सकते हो गॉड की महिमा कर सकते हो ठीक है क्योंकि इनके लिए दोस्तों देख देख लीजिए वर्क बिकेम अ रिलीजियस कॉलिंग विच इज़ टू बी परस्यूड विद सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन ठीक है ऑन दी अदर हैंड इन ट्रेडिशनल ब्लैक अमेरिकन सब कल्चर देखिए अगर आप ब्लैक अमेरिकन सब कल्चर में जाएंगे तो वहाँ पे वर्क को डिफाइन करा जाता है एक अनफॉर्चुनेट नेसेसिटी है ना एक जीवन की एक अनफॉर्चुनेट है जिसे कोई करना नहीं चाहता लेकिन नेसेसिटी है करना ज़रूरी है इसके बिना आप अपना जीवन भी नहीं चला सकते हो तो देख रहे हैं दोस्तों सोसाइटी टू सोसाइटी जो वर्क की डेफिनेशन है वो एक तरीके से क्या है बदल रही है ठीक है These traditional views reflect the attitude towards work and leisure, which is not objective in nature. आप देख सकते हैं मैं बता बता रहा हूँ कि work जो है society to society बदल रहा है तो इसका कोई objective nature नहीं है fixed नहीं है ठीक है work की definition. There is a presence of subjective elements in these observation and same can be found in sociology as well. Obviously आप sociology में भी देखेंगे अलग अलग sociologist का वर्क को लेकर अलग अलग व्यू है और अलग अलग व्यू क्यों है आपको पता है हर सोशलॉजिस्ट जो है अलग अलग सोसाइटी से निकल के आया है है ना अलग अलग सोसाइटी से निकल कर आया है इसी वजह से उनके जो व्यूज़ हैं सोशलॉजिकल व्यू हैं वेरी करते रहते हैं वर्क को लेकर ठीक है देर इज़ नो जनरल कंसेंसस ऑन द डेफिनेशन ऑफ वर्क यही मैं बोल रहा हूँ कि सोशलॉजिस्ट का भी वर्क की डेफिनेशन को लेकर कोई जनरल कंसेंसस नहीं है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है रेमंड फर्थ इन्होंने डिफाइन करा है वर्क को अब इनके अनुसार भी देख लीजिए वर्क क्या है इन्होंने बोला वर्क एक इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है जिसके जरिए आप इनकम को प्रोड्यूस करते हो ठीक है एक और इन्होंने बोला इसी वर्क की डेफिनेशन को लेकर इन्होंने बोला एज अ प एक्टिविटी एंड ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एट सम सेक्रीफाइस ऑफ प्लेजर और लेजर ये इनके अनुसार डेफिनेशन हो गई है वर्क की अब समझते हैं एंथनी गिडन्स का क्या कहना है वर्क को लेकर एंथनी गिडन्स क्लेम्स दैट वी कैन डिफाइन वर्क वेदर पेड और अनपेड एज बींग कैरिंग आउट ऑफ टास्क रिक्वायरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज दैट केटर टू ह्यूमन नीड्स तो ये लंबी सी डेफिनेशन दी है एंथनी गिडन्स ने इन्होंने क्या बोला देखिए इन्होंने बोला कि वर्क जो है पेड भी हो सकता है अनपेड भी हो सकता है और वर्क इंसान कैसे करते हैं या तो उन्हें मेंटल एफर्ट लगाना पड़ेगा या तो फिज़िकल एफर्ट लगाना लगाना पड़ेगा भाई इन दोनों एफर्ट के बिना कोई वर्क हो ही नहीं सकता ठीक है इसके अलावा मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगा के करते क्या हैं लोग या तो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ह्यूमन नीड्स को पूरा करती हैं ठीक है तो समझ में आ गया ये हो गई एंथनी के अनुसार वर्क की डेफिनेशन आप इनका नाम कोट करके ये वर्क की डेफिनेशन लिख सकते हैं ठीक है कार्ल मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर ये भी बोलते हैं वर्क के बारे में कुछ और वर्क की डेफिनेशन ये भी देते हैं देखिए कार्ल मार्क्स प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ वर्क इनवॉल्विंग सोसाइटी तो कार्ल मार्क्स के अनुसार देखिए बोला कि सोसाइटी के अनुसार थोड़ा वर्क में चेंजेस आते रहते हैं है ना आपको मैंने पढ़वाया था सोशलिस्ट सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी वगैरह कार्ल मार्क्स ने बताई थी ठीक है तो इन्होंने साफ साफ बोला कि जो वर्क है सोसाइटी सो सोसाइटी थोड़ा सा चेंज करता रहता है देखिए ही सीज दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी इट हैज तो साफ साफ इन्होंने बोला कि भाई सोसाइटी में जैसी इकनॉमी होगी उसी के अनुसार जो है वर्क डिपेंड करेगा इन्होंने साफ साफ बोला था कि फ्यूडल सोसाइटी में वर्क कैसा होगा है ना एक तो मास्टर होगा एक सर्वेंट होगा है ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इन्होंने क्या बोला था एक कैपिटलिस्ट होगा और एक क्या होगा वर्कर होगा है ना तो ये इन्होंने बोला कि वर्क जो है बदलता रहता है इकोनॉमी के अनुसार मार्क्स बिलीव्ड दैट वर्क प्रोवाइडेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल मीन्स फॉर मैन टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स हिज इंडिविजुअलिटी एंड हिज़ ह्यूमैनिटी तो सिंपल सी बात है ये तो कॉल मार्क्स भी बिलीव करते हैं कि भाई वर्क जो है एक वाइटल मीन है जिसके ज़रिए लोग जो है अपनी बेसिक नीड्स जो है अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनी ह्यूमैनिटी को पूरा करते हैं ठीक है और इन्होंने बोला देखिए वर्क के बारे में इन्होंने बोला वर्क एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए लोग अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करते हैं ठीक है फिर से बोलता हूँ कॉल मार्क्स बोलते हैं कि वर्क एक ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए लोग अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करते हैं कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो इंसान जो हैं क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके ज़रिए ही अपनी पर्सनैलिटी को एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं देखिए द वर्कर कैन एक्सपीरियंस अ डीप सेटिसफैक्शन इन सीइंग हिज प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय अदर्स सिंपल सा बोलते हैं कि भाई इंसान लोग वर्क करते हैं प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट जब यूज़ होता है उनका और दूसरे के द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है तो उनको एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है ठीक है ही सेटिसफाइज देर नीड्स एंड देयर बाय एक्सप्रेसिस हिज केयर एंड ह्यूमैनिटी फॉर अदर तो ओबियसली प्रोडक्ट क्रिएट करके ही जो है सेटिसफाई करता है अपनी नीड्स को और एक्सप्रेस करता है अपना केयर और ह्यूमैनिटी को दूसरों के प्रति ऐसा ही होता था आज भी देखिए ना आज के टाइम पर क्या है कार्लमार्क्स बोलते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो वर्क है और लोग जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके जरिए लोग जो है ना फील ही नहीं करते अपनी नीड मतलब उनकी नीड्स तो पूरी हो रही हैं लेकिन वो ऐसा फ़ील नहीं करते कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना केयर या ह्यूमैनिटी फॉर अदर आप भी सोचिए आप भी अगर वर्क करते हैं कहीं ऑफिस में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं वर्क कर रहा हूँ तो वर्क के जरिए ह्यूमैनिटी का, का काम कर रहा हूँ दूसरे के लिए आ, है ना आप अपना केयर एक्सप्रेस कर रहे हो ऐसा तो नहीं है ना आप मेन फोकस करते हो कि आपकी नीड्स सेटिसफाई हो नीड्स क्या सेटिसफाई हो आपको ट्वेंटी थाउजेंड थाउजेंड जो भी सैलरी मिल रही हो उसके जरिए आप अपनी नीड्स सेटिसफाई कर रहे हो तो वर्क की डेफिनेशन आज कैपिटल सोसाइटी में मार्क्स के अनुसार चेंज हो गई है ठीक है इन कम्युनिटी इन विच एवरी वन वर्क टू सेटिस्फाई बोथ इंडिविजुअल नीड्स एंड द नीड्स ऑफ अदर्स वर्क इज कंप्लीटली फुलफिलिंग एक्टिविटी मार्क्स के अनुसार ठीक है लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि वर्क जो है बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी बदली जैसे जैसे इकोनॉमी बदली मेन बात कहें करेंगे इकोनॉमी की तो कार्ल मार्क्स इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी बदली जो वर्क है वो सोर्स बन गया एलिनेशन का क्या एलिनेशन का यानी लोग जो हैं जुदा होने लगे वर्क जो है अब देखिए ना वर्क जो है ह्यूमैनिटी के लिए लोग नहीं कर रहे है ना अपना केयर एक्सप्रेस करने के लिए नहीं कर रहे सिर्फ और सिर्फ उनकी मात्र छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और ज़रूरतें जब पूरी होती हैं तभी इंसान जो है एलिनेट हो जाता है ज़बरदस्ती का वर्क करना पड़ रहा है ठीक है तो इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि एलिनेशन को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका है सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सोसाइटी को वापस लाना जिसके ज़रिए हम जो लेबर एलिनेटेड हो चुके हैं उनका एलिनेशन ख़त्म कर सकते हैं ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पहला जो टॉपिक है वो है हमारा वर्क इन स्लेव सोसाइटी हम लोगों ने देखिए वर्क की डेफिनेशन अच्छे से समझ ली है आप समझेंगे वर्क कैसा था स्लेव सोसाइटी में ठीक है स्लेव सोसाइटी तो समझते हैं सबसे पहले एल्टी हॉब हाउस के अनुसार तो एल्टी हॉब हाउस बोलते हैं कि स्लेव इज़ अ मैन हुम लॉ एंड कस्टम रिगार्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ अनदर तो आपको यहाँ पे स्लेव की डेफिनेशन पता चल गई तो एल्टी होब हाउस के अनुसार स्लेव एक ऐसा व्यक्ति है या तो जिसके ऊपर लॉ या कस्टम जो हैं ये दो चीज़ें बोल देते हैं कस्टम या लॉ कि आप किसी और की प्रॉपर्टी हो तो स्लेव एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी और की प्रॉपर्टी होता है ठीक है स्लेवरी रिप्रेजेंट्स एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनिकवलिटी इन विच सर्टेन ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल आर एक्सट्रीमली एक्सप्लॉयटेड एंड इन एक्सट्रीम केसेस दे आर विदाउट एनी राइट ऑब्वियसली भाई स्लेवरी एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसके जरिए जो कुछ ग्रुप हैं सोसाइटी के उनको बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लोइट करा जाता है ठीक है और उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते हैं कार्ल मार्क्स भी स्लेवरी के बारे में बात करते हैं और कार्ल मार्क्स के अनुसार समझते हैं क्या होता है देखिए फॉर कार्ल मार्क्स स्लेवरी इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सप्लोइटेशन बेस्ड ऑन द ऑनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो साफ साफ कार्ल मार्क्स बोलते थे कि भाई सोशलिस्ट सोसाइटी थी जिसमें सारे लोग इक्वल थे सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स थे लेकिन फिर क्या हुआ फ्यूचर में आई स्लेव सोसाइटी स्लेव सोसाइटी में क्या हुआ जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन थी वो कुछ लोगों ने एक्वायर कर ली और कुछ लोगों के पास फोर्सेस या ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन नहीं थी तो जिसके पास ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं थी तो वो लोगों को क्या बनना पड़ा स्लेव बनना पड़ा और काल मार्क्स साफ साफ बोलते हैं कि स्लेवरी जो है वो बिगनिंग थी वो शुरुआत थी किस चीज़ की एक्सप्लोइटेशन की तो काल मार्क्स के अनुसार सबसे कम एक्सप्लोइटेशन जो है सबसे कम एक्सप्लोइटेशन जो है स्लेवरी सोसाइटी में था और बाद में जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ी तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में काल मार्क्स सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि एक्सप्लोइटेशन होता है फिर से बोलता हूँ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कार्ल मार्क्स के अनुसार सबसे ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन होता है ठीक है ही कंसीडर्ड लेबर वाज एब्सोल्युटली फ्री इन द प्रिमटिव सोसाइटी हाउ एवर बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन कंस्टेंट वॉरफेयर इनिशियल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप अपेयर तो साफ साफ कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि भाई शुरुआत में क्या था सभी लोग फ्री थे है ना किसी को भी काम करना मन करता था तो काम कर लेता था है ना नहीं करता था तो नहीं करता था लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ ठीक है टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डेवलप हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया ठीक है ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आया तो इन सारे कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हुआ स्लेवरी आई धीरे धीरे एक्सप्लोइटेशन होना स्टार्ट हो गया ठीक है एंड फ्रॉम हेयर बिगेन द फेस ऑफ एक्सप्लोइटेशन एंड स्लेवरी इज़ द बिगिनिंग ऑफ द फेस तो साफ साफ काल मार्क्स बोलते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से समाज में एक्सप्लोइटेशन होना स्टार्ट हुआ फिर से बोलता हूँ कौन कौन से फैक्टर हैं पहला तो लिख सकते हो आपकी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ था ठीक है कॉन्स्टेंट वॉरफेयर इनिशियल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप ये सारे के सारे फैक्टर हैं जिसके ज़रिए समाज में क्या हुआ एक ग्रुप जो पीपल है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सप्लोइट करने लगे और एक्सप्लॉयटेशन में जो सबसे पहला पार्ट था वो था स्लेवरी सोसाइटी ठीक है मार्क्स के अनुसार स्लेवरी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं आप इन करेक्टरिस्टिक्स को देख लीजिए और याद कर लीजिए आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं तो देखते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार स्लेवरी सोसाइटी के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं पहला इन्होंने बोला स्लेव्स आर ह्यूमन बींग्स हु आर ट्रांसफॉर्म्ड इंटू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली स्लेवरी वाली जो सोसाइटी है उसमें ह्यूमस को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है किसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन में ठीक है तो ये पहला करेक्टिस्टिस हो गया तो इसीलिए लिए ह्यूमन्स को कमोडिटीज़ की तरह बेचा जाता है परचेज करा जाता है मार्केट में ठीक है क्योंकि भाई वो इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं प्रोडक्शन के अब इंस्ट्रूमेंट हैं तो ऑब्वियसली स्लेवरी सोसाइटीज में इंसानों को बेचा खरीदा जाता था मार्केट में आपने कई पुरानी मूवीज भी देखी होंगी ठीक है दूसरा करेक्टिकेक्टरिस्टिक्स क्या है दूसरा ये है कि स्लेव्स डू नॉट ओवर देयर ओन लेबर ऑब्वियसली अब भाई जब गुलाम है वो तो भाई खुद के लेबर पे कहाँ उनका अधिकार होगा है ना जैसा उनका मालिक किसी को बेच दिया तो बेच दिया खरीद लिया तो खरीद लिया ठीक है दिस इम्प्लाइज वट इज़ टू बी प्रोड्यूस हाउ मच टू बी प्रोड्यूज एंड फॉर होम इट इज़ टू बी प्रोड्यूज एक्सेट्रा आर नॉट डिटरमाइंड बाय द स्लेब्स और बिजली स्लेब्स के हाथ में कोई अधिकार नहीं है कि भाई कितना प्रोड्यूस करना है क्या प्रोड्यूस करना है किसके लिए प्रोड्यूस करना है जो मालिक बोलेगा वो करना पड़ेगा तीसरा करेक्ट्रिस्टिक्स ये है कि स्लेब्स इवन डू नॉट हैव राइट टू प्रोक्रिएट on their own, their reproduction depends on the requirement of the society. Obviously, खुद का भी procreation नहीं कर सकते प्रोक्रिएशन या रिप्रोडक्शन बोला जाए तो रिप्रोडक्शन भी जो है डिपेंड करेगा सोसाइटी की रिक्वायरमेंट पे ठीक है तीसरा और चौथा characteristic ये है कि slavery में slavery सोसाइटी में लैंड टेक्नोलॉजी लेबर एक्सेट्रा आर ऑल कलेक्टिवली ओन्ड बाय द मास्टर्स ओबिस जो slave के हैं स्लेव हैं इनके हाथ में कुछ नहीं होता ना तो लैंड होता है ना टेक्नोलॉजी होती है ठीक है उनका खुद का लेबर भी उनके हाथ में नहीं होता है सब कुछ कौन own करता है मास्टर्स own करते हैं तो इसलिए सो so, slaves डू नॉट ओनली लूज कंट्रोल ओवर means of प्रोडक्शन बट also ओवर themselves. अपने ऊपर भी अपना कंट्रोल खो देते हैं क्योंकि वो खुद के भी मालिक नहीं हैं ठीक है ठीके? Marx considers that with slavery started phase of exploitation in human society and it subsequently got इंटेंसिफाइड एंड रीच्ड इट्स ऑप्टिमम स्टेज इन द कैपिटलिज्म तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि भाई काल मार्क्स के अनुसार जो एक्सप्लोइटेशन है इसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई है स्लेवरी वाली सोसाइटी से हुई है और जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती रही और कैपिटलिस सोसाइटी पहुँची तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में साफ साफ बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन होता है ठीक है सो एज़ पर हिम स्लेवरी इज लेस एक्सप्लोइटिड एक्सप्लोइटिव दैन कैपिटलिज्म तो कल मार्क्स आप बोलते हैं कि भाई माना सिलेवरी एक्सप्लोइटिव है लेकिन कैपिटलिज्म से ज्यादा एक्सप्लोइटिव नहीं है ठीक है व्यूज ऑफ मार्क्स ऑन स्लेवरी हैज बिन क्रिटिसाइज बाई डिफरेंट सोशलॉजिस्ट एंड थिंकर्स ऑन द बेसिस दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन एनी गिवन सोसाइटी इज नॉट मेयरली डिवेन बाई इकोनॉमिक नीड्स रेदर सोसाइटी कल्चर एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द नेचर एंड फॉर्म ऑफ पीपल्स पार्टिसपेशन एट वर्क तो ओबियसली कई जो थिंकर्स हैं उन्होंने मार्क्स के व्यू को क्रिटिसाइज़ भी कराए क्योंकि मार्क्स जो हैं ज़्यादातर जो अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है वो किसपे फोकस करते हैं इकोनॉमिक पे साफ साफ बोलते हैं कि भाई जैसे जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलेगा वैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है वो भी चेंज होगा लेकिन कई सोशलॉजिस्ट डालते हैं बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता बल्कि सोसाइटी के कल्चर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी डिटरमाइन करते हैं कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क होगा ठीक है देखिए कार्ल मार्क्स के खिलाफ एक आर्ग्यूमेंट देने आते हैं अलेक्जेंडर चैनोफ ठीक है ये एक रशियन इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने बोला कि स्लेवरी वॉज एन आउटकम ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म तो इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई मार्क्स जी जो स्लेवरी है वो इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं आई ठीक है इन्होंने बोला कि भाई स्लेवरी जो आई है वो यानी साम्राज्यवाद हिंदी में कहा जाता है साम्राज्यवाद या कोलोनलिज्म की वजह से आई है इन ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या आई थी स्लेवरी आई थी देखिए इन्होंने क्या एग्जांपल दिया अलेक्जेंडर ने इन्होंने बोला दीज टू हिस्टोरिकल प्रोसेसिस गेव वे टू क्रॉस नेशनल माइग्रेशन बिकॉज ऑफ विच स्लेवरी केम इन टू एग्जिस्टेंस इन्होंने बोला भाई इंपीरियलिज्म और कॉलोनलिज्म में क्या होता था भाई राजा महाराजा जो है एक देश पहले रूल करते थे फिर दूसरे रूल पे लड़ाई करते थे दूसरे देश को जीता तो वहाँ से जो गुलाम है वो खरीद के अपने देश में लेके आते थे गुलाम ख़रीद बेच के लेके आते थे तो, तो यहीं से क्या हुआ स्लेवरी स्टार्ट हुआ आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए ना अंग्रेज़ लोगों ने हमारे देश में रूल करते थे और उन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज़ बसा बसा रखी थी तो वही वो स्लेव इंडिया से लेके जाते थे है ना मेडागास्कर वगैरह बहुत सारी कॉलोनीज बसा रखी थी इंग्लैंड ने और वहाँ ले जाते थे वर्क करवाने के लिए ठीक है इंडियन के आप जो आपको जो ओरिजिन है अफ्रीका में बहुत सारे मिल जाएंगे अफ्रीका के अफ्रीका में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन लोग हैं वो वहाँ कैसे पहुँचे हैं इसी कॉलोनियज्म या एम्पेरियलिज्म की वजह से तो यहीं से ये अलेक्जेंडर बोलते हैं कि स्लेवरी की शुरुआत हुई थी ठीक है सो स्लेव्स आर द विक्टिम्स ऑफ एडवेंचरिस्ट एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिक्स तो साफ साफ इन्होंने बोला अलेक्जेंडर ने कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जो अपनाई गई थी राजा महाराजाओं के द्वारा इंपेरियलिस्ट के द्वारा उनकी वजह से सिलेवरी निकल कर आई है ठीक है एंड दस दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड सिंपली एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई स्लेवरी को आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन मत समझिए ठीक है ठीके? एक और थिंकर हैं जिनका नाम है वन डैन वर्गी इन्होंने बोला क्या पहले तो समझ लीजिए वन डेन वर्गी एक अमेरिकन सोशलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे और इन्होंने क्लेम करा दैट काइंड ऑफ स्लेवरी एक्सप्लेंड बाय मार्क्स डज नॉट एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव कम्प्लीटली इन्होंने बोला कि भाई जिस तरीके की स्लेवरी की बात कार्ल मार्क्स कर रहे हैं उस काइंड ऑफ स्लेवरी ने जो रिलेशन है किस किस के बीच में मास्टर और स्लेव के बीच में उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करा है देखिए बर्गी क्लेम्स दिस रिलेशन वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी तो इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई स्लेवरी में जो मास्टर और स्लेव का रिलेशन है वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है क्या वेरी करता है कैसे वेरी करता है देखिए इन्होंने बर्गी ने एग्जाम्पल भी दिया है देखिए ही यूज टू टर्म्स टू एक्सप्लेन दिस डिफरेंस तो इन्होंने मास्टर और स्लेव में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या डिफरेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दो टर्म्स दिए हैं पहली टर्म है पैटर्नलिस्टिक दूसरी दी है कम्पटिटिव पैटर्नलिस्टिक मतलब समझते हो ना जो एक तरीके से आप जैसे पिता मान लीजिए है ना पिता क्या करता है बच्चों की सेवा करता है बच्चों का सब सारा ख्याल रखता है तो यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी में क्या होगा जो मास्टर होगा उसकी ड्यूटी होगी अपने स्लेव की सारी नीड्स को पूरा करना है ना स्लेव से काम तो करवाएगा करवाएगा लेकिन इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी मास्टर की होगी और कॉम्पिटिटिव में क्या होता है इन्होंने बोला कॉम्पिटिटिव वाला ऐसा सोसाइटी होगी जिसमें मास्टर और स्लेव का रिलेशन तो होगा लेकिन मास्टर जो है स्लेव की मतलब कुछ ज्यादा सहायता नहीं करेगा और स्लेव और मास्टर के बीच में क्या होगा कंपटीशन वाला रिलेशन होगा आप एग्जांपल इसको समझ लीजिए आज की सोसाइटी से भाई आज की सोसाइटी में जो वर्कर है एक तरीके का स्लेव ही है क्या है स्लेव है वो मालिक के यहाँ काम कर रहा है लेकिन मालिक जो है उसकी सारी नीड्स को थोड़ी ना पूरे कर रहा है थोड़ी सी सैलरी दे देता है सारी नीड्स को पूरा करना इसके काम मतलब हाथ में वर्कर के हाथ में स्लेव के हाथ में ठीक है और मास्टर चाहता है इस स्लेव का इस्तेमाल करके इस वर्कर का इस्तेमाल करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ और वर्कर का भी क्या एम रहता है वर्कर का भी एम रहता है भाई मालिक से ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाऊँ तो कॉम्पिटिटिव वाला रिलेशन रहता है देखिए पेटर्नलिस्टिक रिलेशनशिप इज़ वन इन विच मास्टर सर्व एज़ पेट्रोन ऑब्वियसली उसके पेट्रोन के तौर पर आ, काम करता है पेटर्नलिस्टिक रिलेशनशिप में ही क्लेम्ड इन पास्ट दिस रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड स्लेव वाज ग्रेटली पेटर्नलिस्टिक बट लेटर ऑन इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू कम्पटिटिव रिलेशनशिप इन विच दे कम्पीटेड अगेंस्ट ईच अदर वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था ठीक है एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी है जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह जोधका इनके अनुसार भी समझ लेते हैं देखिए सुरेंद्र सिंह ने बोला सुरेंद्र सिंह ने कंडक्ट करी थी एक स्टडी ठीक है ऑन अटैच लेबर सिस्टम कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर सिस्टम एंड बॉन्डेड लेबर सिस्टम इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया रिस्पेक्टिवली समझ में आ गया ये इनकी स्टडी ठीक है थ्रू दिस स्टडी ही क्लेम्ड दैट स्लेवरी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट सोसाइटीज़ एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम तो साफ साफ इन्होंने बोला भाई स्लेवरी जो है वो एग्जिस्ट करती है अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं उसके है ना सोसाइटी में सोसाइटी uh, के अनुसार थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं डिफरेंट पॉइंट पे हो सकता है लेकिन स्लेवरी तो एग्जिस्ट करती है एंड सो इट वुड बी प्री मेच्योर टू अज्यूम दैट स्लेवरी वुड बी रिप्लेसड बाई फ्यूडलिज्म तो इसीलिए इन्होंने बोला सुरेंद्र सिंह ने कि काल मार्क्स बोलते थे ना काल मार्क्स बोलते थे कि स्लेवरी के बाद कौन सी सोसाइटी आएगी फ्यूडल सोसाइटी आएगी फ्यूडल के बाद कौन सी आएगी कैपिटलिस्ट आएगी ऐसा काल मार्क्स बोलते थे लेकिन सुरेंद्र सिंह ने बोला नहीं भाई आप कोई भी सोसाइटी में चले जाइए किसी भी सोसाइटी में स्लेवरी तो रहेगी रहेगी किसी भी फॉर्म में हो सकती है ठीक है कोई भी टाइम हो जाए लेकिन सम फॉर्म सम सम फॉर्म ऑफ स्लेवरी जो है एग्जिस्ट करती है हर सोसाइटी में वो रिप्लेस नहीं की जाएगी फ्यूडलिस्ट के द्वारा या कैपिटलिस्ट के द्वारा थोड़ी बहुत तो स्लेवरी रहेगी ही रहेगी ठीक है इनफैक्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर द एलिमेंट ऑफ स्लेवरी एज वेल एज फ्यूडलिज म्यूचुअली को एग्जिस्टेंस एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड स्कोप फॉर कैपिटलिज्म तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है सुरेंद्र सिंह ने इन्होंने बोला कि भारत का एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले लीजिए इन्होंने बोला इंडियन एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको देखिए फ्यूडलिज्म भी देखने को मिल जाएगा यानी सामंतवाद भी देखने को मिलेगा इसके अलावा स्लेवरी भी देखने को मिलेगा अब भाई स्लेव कौन होता है इंडियन एग्रीकल्चर में देखिए ना कई किसान आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है लेकिन गाँव में रहते हैं अब गाँव में रहते हैं तो भाई ऑब्वियसली उनको किसी ना किसी की ज़मीन में काम करना पड़ेगा तो एक तरीके से वो क्या बन जाते हैं स्लेब बन जाते हैं डेप्ट लेते रहते हैं स्लेब बन जाते हैं ठीक है तो देखिए इंडियन एग्रीकल्चर में स्लेवरी भी आपको दिख रही है फ्यूडलिज्म भी दिख रहा है ठीक है इसके अलावा कई जो आ, किसान हैं जो बहुत रिच हैं है ना बहुत रिच हैं वो धीरे धीरे क्या है कैपिटलिस्ट भी बन जाते हैं तो देखिए इंडियन एग्रीकल्चर में तीनों चीज़ें दिख रही हैं आपको क्या स्लेवरी भी दिख रही है फ्यूडलिज्म भी दिख रहा है और कई कई रिच किसान हैं इतने रिच किसान हैं कि वो कैपिटलिस्ट भी बन जाते हैं ठीक है सो इवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लेवरी ऑफ मार्क्स कैन नॉट बी सब्स्टेंशिएटेड बाय द एम्पेरिकल डाटा तो ओब्वियसली जो इन्होंने रिवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग दी है स्लेवरी की कि भाई आ, स्लेव जो है धीरे धीरे क्या होंगे फिर फ्यूडल में बनेंगे सफ में बनेंगे फिर कैपिटलिस्ट में बने बनेंगे वर्कर में बनेंगे वो मतलब कुछ उसके लिए एम्पेरिकल डाटा नहीं है ऐसा सुरेंद्र नाथ बोलते हैं सुरेंद्र सिंह बोलते हैं कि भाई स्लेवरी तो रहेगी रहेगी ठीक है एक और सोशलॉजिस्ट है जिनका नाम है डुओ गलेम्बेट और डेविड हर्डीमैन इनके अनुसार समझते हैं देखिए डेविड हर्डमन कंसिडर दैट स्लेवरी इज़ अ फॉर्म ऑफ कल्चरल कंस्ट्रक्ट एंड नॉट एन इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट इन इंडिया तो साफ साफ इन्होंने बोला कि भाई भारत में जो स्लेवरी है वो इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट नहीं है इकोनॉमी ने नहीं बनाया बल्कि किसने बनाया है कल्चरल कंस्ट्रक्ट है कल्चर ने बनाया है स्लेवरी को भारत में देखिए दे क्लेम्ड दैट दलिस इन इंडिया वर आइडेंटिकली सेग्रिगेटेड ओबियसली कल्चर ही तो है तभी तो देखिए ना दलिस को हमारे यहाँ आइडेंटिकली सेग्रीगेट कर रखा है और आइडेंटिकली किस बेसिस पर कर रखा है कल्चर के हिसाब से ठीक है दे डिड नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्सिस एंड सफर फ्रॉम प्रॉपर्टी पावर्टी ऑफ पावर बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम सो इन इंडिया स्लेवरी वॉज अ कल्चरल कंस्ट्रक्ट एंड नॉट एन इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट बस आपको इतना याद रखना है ठीक है इन कंक्लूजन इट कैन बी क्लेम्ड दैट मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्लेवरी एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क वॉज प्रेजेंट इन ट्रेडिशनल यूरोप तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि, कि जो मार्क्सियन थ्योरी है मार्क्सन की कौन सी थ्योरी है मार्क्सन की थ्योरी है स्लेवरी एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क ये किस में थी ट्रेडिशनल यूरोप सोसाइटी में प्रेजेंट थी ठीक है स्लेव्स वर इंगेज इन प्लांटेशन एक्टिविटीज एक्सेट्रा विदाउट एनी कंट्रोल ओवर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दे वर नॉट एक्सपोज टू मार्केट दे लैग कंट्रोल ओवर देयर ओन लेबर दे एक्सेप्टेड एक्सप्लोटेशन एज एयर डेस्टनीटी डेस्टिनी ठीक है दिस व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स इज कंटेस्टेड एंड डिबेट डिबेटेड बाय सब्सिक्वेंट सोशलॉजिस्ट हु क्लेम स्लेवरी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड ए सोशो कल्चर कंस्ट्रक्ट एंड नॉट मेयरली एन इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट ये मैं बता ही चुका हूँ कि भाई कार्ल मार्क्स ने ज़्यादा फोकस करा था कि स्लेवरी जो है एक इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट है लेकिन कई सोशलॉजिस्ट आए उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए और उन्होंने बोला सोशल कल्चर कंस्ट्रक्ट है ठीक है चलिए अगला टॉपिक समझते हैं वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन फ्यूडल सोसाइटी हम लोगों ने स्लेवरी सोसाइटी में पढ़ लिया कि कैसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और वर्क था अब हम देखेंगे फ्यूडल सोसाइटी में कैसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और वर्क था ठीक है फ्यूडलिज्म एज अ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क केम आफ्टर डिक्लाइन ऑफ स्लेवरी ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स साहब बोलते हैं कि भाई पहले स्लेवरी थी स्लेवरी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और वर्क हो गया Slavery के बाद कौन सी आएगी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन्होंने बोला फ्यूडल सोसाइटी आएगी ठीक है मार्क्स कलेक्टेड डाटा फ्रॉम डाटाटीन सेंचुरी इटली सेगमेंटेड जर्मनी ब्रिटेन तो इन्होंने देखी ना कार्ल मार्क्स ने सोलवी से लेकर अठारहवीं सेंचुरी तक इटली से डाटा इकट्ठा करा जर्मनी से इकट्ठा करा और ब्रिटेन से इकट्ठा करा फ्यूडल सोसाइटी को लेकर ठीक है बेस्ड ऑन दीज डाटा ही गेव हिस्स थ्योरी ऑफ फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन तो इनकी थ्योरी का नाम याद कर लीजिए फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी दी थी फ्यूडलिज्म के कौन कौन से है कंट्रोलिंग मैसि एग्रीकल्चर लैंड ऑबली जो पेट्रिकलैंस है वो जो है कंट्रोल कर रहे थे मैसि एग्रीकल्चर लैंड है ना सामंत वार्ड का बेटा ही जो भी सामंत होगा उसने ज़मीन इकट्ठा करी फिर बाद में उसके बेटे भी जो है उसके बेटे बेटी भी जो है क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे एग्रीकल्चर लैंड को ठीक है दे एम्प्लॉयड इंडिजीनियस फार्मर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली अब इतना सारा लैंड है तो लैंड पे काम करने के लिए सामंत लोग जो हैं वो ख़ुद तो काम करने जाएंगे नहीं तो वो एम्प्लॉय करेंगे इंडिजीनियस फार्मर्स को ताकि वो उनके खेतों में काम कर सकें ठीक है दिस बिकेम द फाउंडेशन ऑफ फ्यूडलिज्म तो यही फ़ाउंडेशन है फ्यूडलिज्म की भाई मतलब कुछ लोगों के हाथ में जो लैंड सबसे बड़ा रिसोर्स है वो लग गया है और उस लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे लोगों को काम करवाने के लिए ठीक है तो ये पहला करेक्टरिस्टिक्स हो गया दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है इन फ्यूडल सोसाइटी अ नंबर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स डिक्लेयर देयर स्टेट एज प्राइवेट एंड लीज लैंड टू फार्मर सर्फ्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ विच वॉज मेड बाय दम ऑबियसली इनके पास इतनी सारी जमीन थी तो जमीन के मालिक तो यही हैं लेकिन इन्होंने जमीन जो है एक तरीके से काम करने के लिए ना एक तरीके से ठेका मान लीजिए है ना ठेके पे दे दी कुछ कुछ छोटे मोटे सर्फ्स को ठीक है ताकि आप काम करो और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से मास्टर्स को लाके दो ठीक है तो ये हो गया दूसरा करेक्टिस्टिक्स तीसरा करेक्टिस्टिक्स क्या है इन फ्यूडलिज्म सर्फ डिड नॉट हैव ओनरशिप टाइटल सर्फ आप समझ लीजिए है ना जो काम करते हैं छोटे मोटे किसान ठीक है सर्फ मतलब छोटे मोटे किसान तो फ्यूडलिज्म सोसाइटी में सर्फ जो है डिड नॉट हैव ओनरशिप टाइटल ओनरशिप टाइटल नहीं है ओनरशिप तो भाई यही रहेंगे फ्यूडल लॉग लोग ठीक है द राइट वॉज गिवन टू अ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी विच क्रिएट अ फॉल्स इंप्रेशन अमंग द दर्फ दैट दे ऑन द लैंड तो राइट जो है ओनरशिप का वो किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता था सर्फ को ठीक है बल्कि किसको दिया जाता था फैमिली को ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी और जिसकी वजह से वो ओरिजिनली तो देखा जाए वो मालिक नहीं रहेंगे लेकिन उनके ऊपर एक तरीके से फॉल्स इंप्रेशन जाता था कि वो जो है सर्फ जो है वो ओन करते हैं लैंड को लेकिन एक्चुअली में वो लैंड को ओन नहीं करते हैं ठीक है द रिलेशन बिटवीन लॉर्ड एंड सर्फ वाज मल्टी डायमेंशनल ठीक है जो लॉर्ड मतलब यहाँ पे फ्यूडल की बात हो रही है तो जो रिलेशन है लॉर्ड और सर्फ के बीच में वो मल्टी डायमेंशनल था देवर क्वायर टू गिव रेगुलर टैक्सेसली मल्टी डाइमेंशनल कैसे था भाई लोड लोग जो है वो टैक्स इकट्ठा करते थे प्रॉफिट इकट्ठा करते थे समझे नहीं समझे दे वर रिक्वायर टू गिव रेगुलर टैक्सेस एंड इन एडिशन टू दैट फ्री सर्विसेज वो डिमांडेडली सर्फ से देखिए सर्फ लोग जो है टैक्सेस भी दे रहे हैं सर्विसेस भी दे रहे हैं और जो प्रॉफिट हो रहा है लैंड से वो भी दे रहे हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल क्या था रिलेशन था ठीक है दिस इंप्लाइज दे पेड रेंट बोथ इन कैश एंड काइंड अगला जो करेक्ट्रिस्टिक्स है वो ये है कि ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमिटीज़ रेगुलर वॉरफेयर एक्सेट्रा प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डिक्लाइन एंड बिकॉज ऑफ विच इंडीजीनियस फार्मर्स गॉट इन टू डेप ट्रैप ऑब्वियसली ऐसा होता था देखिए लैंड पे काम करने के लिए सर्फ को लगा रखा है अब सर्फ को ना ना तो ये बहुत सारे पैसे देते थे कि आप मेंटेन करके रखो लैंड को है ना आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ रखा होगा कि अंग्रेज लोग भी ऐसे करते थे है ना किसानों के से टैक्स वसूलते थे लेकिन ना तो उनको कुछ टैक्स वगैरह देते थे मतलब ना तो उन्हें कुछ पैसों की राहत देते थे जो कि पैसे जो अपने खेतों पर लगा सके जिसकी वजह से क्या होता था नेचुरल क्लाइमेटिस वगैरह आती थी जो भी आती थी तो उसकी वजह से ये डेप ट्रैप में भी फंस जाते थे फार्मर्स लोग इवन द टैक्स कलेक्टर्स पुलिस पर्सनल एक्सेट्रा

उसको क्रिटिसाइज करा है जैसे कि पहले थिंकर हैं वो हैं मार्क ब्लॉक इन्होंने बोला देखिये मार्क ब्लॉक इन इज फ्यू बुक फ्यूडल सोसाइटी तो इन्होंने बुक लिखी थी एक फ्यूडर सोसाइटी और इन्होंने कलेक्ट करा था इस बुक में डाटा From different feudal societies in Europe and found that within feudalism there was difference in different societies. तो इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई यूरोप में अलग अलग फ्यूडल सोसाइटी से डाटा इकट्ठा करा और इन्होंने बोला कि विद इन फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म के अंदर भी दोस्तों अलग 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 क्या है फ्यूडल सोसाइटीज़ पाई जाती हैं अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज़ पाई जाती हैं देखिए इन केस ऑफ इटली फ्यूडलिज्म वॉज सपोर्टेड बाय चर्च तो इन्होंने भाई इटली से जब जो डाटा इकट्ठा करा ना इन्होंने उस डाटा में इन्होंने देखा कि इटली में जो फ्यूडलिज्म है उस फ्यूडलिज्म को कौन सपोर्ट करता है चर्च सपोर्ट करता है लेकिन जो ब्रिटेन है वहाँ पे फ्यूडलिज्म कौन सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे सेंट्रलाइज स्टेट है है ना महारानी है वो फ्यूडलिज्म को सपोर्ट कर रही है वहीं इन्होंने जर्मनी से भी डाटा इकट्ठा करा और इन्होंने बोला जर्मनी में इनडिपेंडेंट लैंड लॉर्ड्स हैं ठीक है विदाउट सेंट्रलाइज पॉलिटिकल इंटीग्रेशन वर द रीज़न ऑफ फ्यूडलिज्म तो देख लिया इन्होंने साफ साफ डाटा के ज़रिए प्रूव कर दिया कि फ्यूडलिज्म के अलग अलग रीज़न हैं अलग अलग सोसाइटीज़ में ठीक है सो इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडलिज्म वॉज ग्रेटली वेरिएबल इन टाइम एंड स्पेस ऑल फ्यूडल सोसाइटीज़ आर नॉट ड्रिवन बाई आइडेंटिकल क्लास स्ट्रक्चर आइडेंटिकल क्लास रिलेशनशिप ठीक है एक और व्यक्ति हैं एक और सोशोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है एलेक्जेंडर चानोव ये ये रशिया के रशियन सोशलॉजिस्ट हैं इन्होंने देखिए इन्होंने क्या क्लेम करा एलेक्सेंडर क्लेम्स डेट फ्यूडलिज्म डज नॉट हैव यूनिवर्सल करेक्ट्रिस्टिक्स तो इन्होंने भी साफ साफ बोला कि भाई जो फ्यूडलिज्म का करेक्ट्रिस्टिक्स आपको यूरोप में देखने को मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि सारी जगह सेम हो ठीक है मार्क्स साफ साफ बोल इन्होंने तो मार्क्स ने तो आपको पता है सिंपल से करेक्टिस करेक्टिस्टिक्स देख लिए हैं फ्यूडलिज्म के और वो बोलते हैं कि सारी सोसाइटी में ये अपीलिकबल होगा लेकिन अलेक्जेंडर भी आते हैं और बोलते हैं कि भाई जो फ्यूडलिज्म के करेक्ट्रिस्टिक्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं है मैनी सोसाइटीज़ ऑफ अफ्रीका हु हैड प्रमिटिव कैरेक्टर स्विच टू कैपिटलिज्म विदाउट गोइंग टू फ्यूडलिज्म तो साफ साफ इन्होंने अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया कि भाई अफ्रीकन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें प्रमेटिव कैरेक्टर पाया जाता था तो कार्ल मार्क्स के अनुसार देखिए प्रमेटिव के बाद क्या आएगा स्लेवरी आएगी स्लेवरी के बाद फ्यूडल आएगी फ्यूडल के बाद कैपिटलिस्ट आएगी लेकिन इन्होंने बोला कि भाई अफ्रीका की बहुत सारी सोसाइटी ऐसी थी जहाँ पे इन्होंने बोला कि जहाँ पे प्रमेटिव कैरेक्टर से डायरेक्टली किस में स्विच कर गए कैपिटलिज्म में स्विच कर गए फ्यूडलिज्म में तो गए ही नहीं हैं ठीक है थीके? तो कार्ल मार्क्स का ये जो थ्योरी है कि पहले प्रमेटिव होगी स्लेवरी होगी फ्यूडल होगी फिर कैपिटलिस्ट आएगी ये थोड़ी सी रॉन्ग प्रूफ हो गई ठीक है इट हैपन बिकॉज ऑफ कलोनलिज्म तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया अ एलेक्जेंडर ने कि भाई डायरेक्ट प्रमेटिव से कैसे, कैसे कैपिटलिज्म में चले गए अफ्रीका वाले क्योंकि कॉलोनलिज्म आपको पता है अंग्रेज़ वगैरह लोगों ने फ्रांस वगैरह लोगों ने इन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज बसा ली थी एक इंडियन सोशलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है एंड्रे बिटले इनके बारे में हम सेकंड जो बुक है हमारी सोशलॉजिस्ट uh, का या सेकंड पेपर है उसमें स्टडी करेंगे और एंड्रे ने बोला ही क्लेम्स दैट मार्क्सियन थ्योरी ऑफ़ फ्यूडलिज्म इज़ नॉट कंसर्न अबाउट स्टडी ऑफ फ्यूडल सोसाइटी एंड पॉसिबल एम्बेकल चेंज टेकिंग प्लेस विद इन इट ऑब्बियसली इन्होंने साफ साफ बोला कि जो मार्क्सियन थ्योरी है फ्यूडलिज्म की ये किससे कंसर्न नहीं है इट इज़ नॉट कंसर्न अबाउट स्टडी ऑफ फ्यूडल सोसाइटी एंड पॉसिबल एम्पेरिकल चेंज तो इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई कार्ल मार्क्स बड़े बहुत महान थिंक करते तो उन्होंने फ्यूडल सोसाइटी को ना ज़्यादा डीप में नहीं गए है ना डीप में नहीं गए ऊपर ऊपर से स्टडी करा ठीक है ना कि मतलब फिर से बोलता हूँ इन्होंने साफ साफ बोला कि फ्यूडल सोसाइटी के ना डीप में नहीं गए कि पॉसिबल एम्पेरिकल चेंज क्या हो रहे थे है ना वो क्या है फैक्टर क्या है इतना डीप में नहीं गए ऊपर ऊपर से इन्होंने स्टडी करा तो इन्होंने एक तरीके से एंड्रे ने डिफेंड करने की कोशिश की है मार्क्स को मार्क्स इज मच वरीड टू एक्सप्लेन चेंजेस फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म ऑब्वियसली इन्होंने साफ साफ बोला एंड्रे ने कि भाई मार्क्स का जो मेन कंसर्न था ना कि जो चेंजेस हो रहे हैं फ्यडलिज्म के कैपिटलिज्म में उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा मार्क्स के दिमाग में था ठीक है एंड अल्टीमेटली टू सोशलिज्म या कम्युनिज्म और उसके बाद कैपिटलिज्म के बाद मा मार्क्स ने किसको एक्सप्लेन करा है ज़्यादा कि कैसे कैपिटलिज्म के बाद सोसाइटी जो है सोशलिज्म या कम्युनिज्म में बदल जाएगी तो ठीक है समझे कि नहीं समझे तो ये काल मार्क्स का मेन फोकस था ही डिड नॉट पुट टाइम एंड एनर्जी टू स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ फ्यूडलिज्म भाई मैं बता रहा हूँ कि काल मार्क्स ने ज़्यादा फ्यूडलिज्म के डायनेमिक्स को स्टडी करने में फ़ोकस नहीं करा है इन फ्यूडल सोसाइटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड द कंटेस्ट बिटवीन लैंड लॉर्ड एंड द लैंडलेस पीपल वर्कर इज सेंटर्ड अराउंड द ओनरशिप ऑफ लैंड तो ऑब्वियसली जो फ्यूडल सोसाइटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में आपको पता है भाई फ्यूडल सोसाइटीज में मेन कॉमन चीज क्या है लैंड है भाई जो लैंड का ओनर बन गया वो क्या बन जाएगा एक तरीके से लॉर्ड बन जाएगा और जो लैंड का ऑनर मालिक नहीं है वो एक तरीके से क्या है सर्फ है दूसरे की जमीन पे काम करना पड़ेगा ठीक है बट दिस प्रॉब्लम हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व थ्रू रेवोल्यूशन इन ऑल कंट्रीज एज मार्क्स एट प्रपोज तो ऑब्वियसली देखिए कार्ल मार्क्स ने प्रपोज करा था हर सोसाइटी में कार्ल मार्क्स यही बोलते हैं कि हर सोसाइटी में क्या आएगा रेवोल्यूशन आएगा कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि अगर स्लेवरी सोसाइटी है तो स्लेवरी सोसाइटी में रेवोल्यूशन आएगा उसके बाद आ जाएगी फ्यूडल सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी में भी रेवोल्यूशन होगा जिसकी वजह से लॉर्ड और सर्फ में लड़ाई होगी और रेवोल्यूशन के बाद कौन सी सोसाइटी आ जाएगी सोसाइटी आ जाएगी और सोसाइटी में भी होगा और फिर कौन सी आ जाएगी सोशलिस्ट आ जाएगी समझे नहीं समझे तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी कि भाई रेवोल्यूशन आएगा सोसाइटी में जिसकी वजह से जो फ्यूडलिज्म की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ऐसा मतलब कई थिंकर्स ने बोला कि रेवोल्यूशन जो है बहुत सारा रेवोल्यूशन आया है लेकिन उसने भी जो वाली प्रॉब्लम है हर जगह सॉल्व नहीं करी है देखिए बट दिस प्रॉब्लम हैज नॉट बीन रिजॉल्व थ्रू रेवोल्यूशन इन ऑल कंट्रीज एज मार्क्स प्रपोज तो जो लैंड का ओनरशिप का मेन इशू था कार्ल मार्क्स बोलते थे कि रेवोल्यूशन के जरिए सॉल्व हो जाएगा लेकिन ऐसा सारी कंट्रीज़ में नहीं हुआ है ठीक है इनफैक्ट इन सम कंट्रीज़ दिस प्रॉब्लम हैज़ बिन रिजॉल्व थ्रू लेजिस्लेशन इन्होंने बहुत सारे थिंकर्स ने एग्जाम्पल दिया कि भाई कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये जो ऑनरशिप का प्रॉब्लम था लैंड का ऑनरशिप का प्रॉब्लम था वो किसके जरिए सॉल्व हुआ है लेजिस्लेशन के जरिए सॉल्व हुआ है कानून बनाकर का सॉल्व हुआ है ना कि रेवोलेशन के जरिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए हमारे भारत का ही आपको पता है भारत में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स आए हैं लैंड सेलिंग एक्सेट्रा लॉज आए हैं ठीक है जिसकी वजह से ये ऑनरशिप का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है एट द सेम टाइम वेन दीज रजिस्ट्रेशन डिड नॉट क्रिएट अ चेंज इट गट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंडिया दिस गेव राइस टू नेक्सलाइट मूवमेंट ओब्वियसली हमारे भारत में भी आपको पता है बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स को लेकर कानून आए हैं लेकिन फिर भी जब लैंड रिफॉर्म्स ने के कानून ने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है तो आपको पता है बिहार छत्तीसगढ़ जैसे इलाके हैं जहाँ पर नक्सलाइट्स मूवमेंट चलते हैं नेक्सलाइट्स मूवमेंट क्यों चल रहे थे इसी लैंड ऑनरशिप को प्रॉब्लम को लेकर ठीक है दस एंड्रे बेटली क्लेम्स दैट इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन विद इन फ्यूडलिज्म इर इज़ वेरिएबल इन डिफरेंट सोसाइटी विच मार्क्स इन थ्योरी डजेंट एक्सप्लेन ऑब्वियसली तो एंड्री मेटले एंड्री मिटले ने साफ साफ क्लेम करा कि जो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं फ्यूडलिज्म की सोसाइटी में ठीक है और फ्यूडलिज में अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज़ में मार्क्स ने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं करा क्योंकि मार्क्स जो है ना मैंने बताया ना मार्क्स का मेन फोकस था कैपिटलिस्ट सोसाइटी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या क्या दिक्कतें हैं और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद कैसे सोशलिज सोशलिज्म आएगा उस पर ज़्यादा फोकस करते थे ठीक है अनदर ग्रुप ऑफ सोशलोजिस्ट सच एज एरिक वॉल्फ ट्योडर शानिन मैनिंग मैश एक्सेट्रा क्लेम्स दैट मार्क्सियन फ्यूडलिज्मज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच टॉक्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ लैंडेड एंड लैंडलेस क्लासेस एंड इन बिल्ट एक्सप्लोइटेशन तो ऑबियसली कई थिंकर्स हैं इन्होंने साफ साफ बोला कि जो काल मार्क्स का आया फ्यूडलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके का आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें कार्ल मार्क्स ने साफ साफ दो ही चीज़ों की बात करी है क्या प्रेजेंस ऑफ लैंडेड एंड लैंडलेस क्लासेस की बात करी है ठीक है और उसके अंदर इनबिल्ट क्या एक्सप्लोइटेशन होगा उसकी बात की है लेकिन मैंने बता चुका हूँ सोसाइटी टू सोसाइटी थोड़ा फ्यूडलिज्म बदलता है ठीक है हाउ एवर इन डिफरेंट एग्रेरियन सोसाइटीज़ राइट ओवर लैंड इज़ वेरिएबल तो ऑब्वियसली डिफरेंट एग्रेरियन सोसाइटीज़ में जो राइट right है लैंड के ऊपर वो थोड़ा वेरी करता है मार्क कार्ल मार्क्स ने तो भाई देखी ना सिंपल सा दे दिया समझाने के लिए लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो हर सोसाइटी में वेरी करेगा ही करेगा दिस इंप्लाइज एग्रीडियन क्लास स्ट्रक्चर इज वेरी डायनामिक एंड मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम तो ऑब्वियसली कई थिंकर्स ने बोला है फ्यूडलिज्म सोसाइटी में जो एग्रीडियन क्लास स्ट्रक्चर है उस वो उसका जो डायनामिक है वेरी करता रहता है लेकिन मार्क्स ने फ्यूडर सोसाइटी कह लीजिए फ्यूडर सोसाइटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दी है ठीक है सो कंक्लूजिवली इट कैन बी एडवोकेटेड दैट मार्क्सियन थ्योरी ऑफ फ्यूडलिज्म इज लार्जली स्पोक अबाउट द ग्रोथ ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी विच इज़ ड्रिवेन बाई पोलराइजेशन ऑफ क्लास विच सब्सिक्वेंटली गेव राइज टू कैपिटलिज्म ठीक है तो ऑब्वियसली मार्क्स इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई कैसे फ्यूडलिज्म में क्या हुआ फ्यूडलिज्म के बाद क्लास पोलराइजेशन हुआ और का क्लास पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ कैपिटलिस्ट सोसाइटी का राइज हुआ था ठीक है ऑन द अदर हैंड क्रिटिक्स ऑफ मार्क्स टॉक अबाउट सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन बिकॉज ऑफ विच फ्यूडलिज्म केम इंटू एग्जिस्टेंस ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ अभी बहुत सारे थिंकर हैं बहुत सारे सोशलॉजिस्ट हैं जो कि सिर्फ लैंड को आधार नहीं मानते कि लैंड के आधार की वजह से फ्यूडलिज्म सोसाइटी आई है लेकिन बहुत सारे थिंकर्स है बहुत सारे सोशलॉजिस्ट हैं जो बोलते हैं कि सोशल कल्चर पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से फ्यूडलिज्म जो है एग्जिस्टेंस में आया है अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और वर्क इन कैपिटलिज्म सोसाइटी तो कैपिटलिज्म सोसाइटी को दोस्तों अगले लेक्चर में कवर करेंगे आज का ये लेक्चर यहीं रोकते हैं अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू